हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अशोक कुमार साहू, योर मेंटर, योर करियर गाइड, योर फ्रेंड। दोस्तों, आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में कार्डियोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ और कार्डियोलॉजी के काफ़ी वेटेज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो नर्सिंग ऑफिसर की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सब में कार्डियोलॉजी एक बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है। तो दोस्तों, इस यूनिट से रिलेटेड मोस्टली एक एक या टू टू वन वन क्वेश्चंस मैंने ज़्यादातर आज के सेशन में डिस्कस करने का डिसाइड किया है। और आज बच्चों, मैं आपको बड़े ही इम्पॉर्टेंट तरीके से, बड़े ही बेहतरीन तरीके से आज कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs पेश करूंगा और उन्हीं MCQs के माध्यम से मैं आपको कार्डियोलॉजी का एक शॉर्ट में पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। तो दोस्तों, लास्ट तक क्लास को रहिएगा, पूरी लेक्चर को वॉच करिएगा, तब जा करके आपको काफी बेटर तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से यूनिट काफी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आज का यूनिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट भी होता है। तो कार्डियोलॉजी में जो आप देखेंगे, कार्डियोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के अंदर इस यूनिट का काफी ज्यादा वेटेज होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि इस यूनिट में जो भी मैं एक्सप्लेन करूं उसको आप नोट डाउन कर लेना बाद में, और बड़े ध्यान से पूरे यूनिट के एक्सप्लेनेशन को समझिएगा। तो कोशिश करेंगे हम कि मेजर मेजर जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो सारे डिसऑर्डर इस वन हार की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो काफी कुछ क्लियर होने वाला है फ्रेंड्स आपका, बने रहिएगा लास्ट में। हेलो हेलो, हाय, आई एम वेविंग यू ऑल, आई एम जस्ट हियर, माई सेल्फ अशोक साहू वेविंग यू ऑल माई फ्रेंड्स। दोस्तों, आई एम वेविंग यू, वेव मी प्लीज, यू ऑल्सो वेव मी प्लीज, आई एम वेविंग यू। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वन बाय वन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बेटर से बेटर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। उस एक्सप्लेनेशन से हम लोग हमारे क्वेश्चंस को और हमारी यूनिट को परफेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है और इस क्वेश्चन को देख करके और आप बताइएगा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ 50 ईयर ओल्ड पेशेंट विद द फीचर ऑफ पुअर परफ्यूजन फॉलोइंग द MI, देन ऑन एग्जामिनेशन हार्ट रेट इज 40 पर मिनट, BP 60 mmHg सिस्टोलिक, एट्रोपिन वॉज गिवन ट्वाइस एवरी ओवर 5 मिनट, बट द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग, वॉट इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप। Question is asking you about that. What is your best next step? So if I hope कि आप इसका answer दे पाए, आप answer करिएगा, what is the best next step? Patient का next step क्या होगा? Transvenous pacing, transcutaneous pacing, implantable cardioversion defib, or repeat the atropine. Transvenous pacing, transcutaneous pacing, implantable cardioversion defib. बच्चों, just very good, काफी अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं, transcutaneous pacing आपका आंसर आ रहा है। तो देखिएगा, सुनिए ध्यान से बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे समझना होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे फर्स्ट बात, जो क्वेश्चन में टेक्निकल वर्ड्स हैं उन्हें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 50 ईयर ओल्ड पेशेंट विद द फीचर ऑफ पुअर परफ्यूजन फॉलोइंग द MI, मींस MI की वजह से पेशेंट है, MI वाले पेशेंट को क्या हो रहा है। जस्ट यू आर, क्वेश्चन इज सेइंग दैट ही हैव द पुअर परफ्यूजन, इसको पुअर परफ्यूजन है। देन ऑन एग्जामिनेशन हार्ट रेट इज 40 पर मिनट, हार्ट रेट 40 आ रहा है, ओनली हार्ट रेट इज ओनली द 40 पर मिनट, मींस ये देखकर के मुझे बात समझ में आ गई है कि पेशेंट इज सफरिंग विद द ब्रेडीकार्डिया। अंडरस्टैंड गाइस, तो फर्स्ट बात तो ध्यान रहे कि जस्ट पेशेंट इज सफरिंग विद द ब्रेडीकार्डिया, बीपी इज ओवर इज लेस देन 60, सो दिस क्लाइंट इज ऑल्सो हैविंग द हाइपोटेंशन। तो पहली बात होती है बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में, ये जो अरिदमिया वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ताकि एरर और रोंग होने की संभावना को कम किया जा सके। बच्चों, एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर सेलेक्ट होने का सबसे बेस्ट तरीका यही है
कि अगर आप अपना पॉजिटिव स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो नेगेटिव स्कोर को जितना हो सके उतना डाउन कर दीजिएगा। यदि अगर नेगेटिव स्कोर पे कंट्रोल कर लिया तो पॉजिटिव अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि बीपी इज लेस देन 60 mm of Hg, एड्रोपिन वॉज गिवन ट्वाइस ओवर द 5 मिनट। आपने दो बार 5 मिनट के अंदर अंदर एट्रोपिन दे दिया है, बट द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग, लेकिन पेशेंट का कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वॉट इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंड गाइस। तो यहां से क्वेश्चन में से देखिएगा, हमें समझने वाली बात क्या है कि जब ब्रेडिकार्डिया हो और हाइपोटेंशन हो तो कैसे इस पेशेंट का मैनेजमेंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जब ब्रेडिकार्डियक पेशेंट हो और हाइपोटेंशन हो रहा हो तो ऐसी स्थिति को, ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। जब ब्रेडिकार्डिया यानी कौन सा अरिथमिया हो, ब्रेडिकार्डिया टाइप का अरिथमिया हो और ब्रेडिकार्डिया के साथ साथ बच्चों क्या हो रहा हो, हाइपोटेंशन हो रहा हो, तो हाउ वी विल हैंडल दिस टाइप ऑफ द सिचुएशन। तो आइए चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से इसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे जस्ट द मैनेजमेंट फॉर ब्रेडी अरिथमियास। तो मैनेजमेंट फॉर द ब्रेडी अरिथमियास का मैनेजमेंट सिखाने वाला हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी लाइफ लॉन्ग आपको ये सीखने में आ जाएगा आज के इस क्लास से कि ब्रेडिकार्डिया को कैसे मैनेज करते हैं और टैकीकार्डिया को कैसे मैनेज किया जाता है। यानी लाइफ लॉन्ग इस दो क्वेश्चन के माध्यम से केवल मैं दो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जिसमें आपका पूरा ही अरिथमिया का मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। तो जस्ट ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया दोनों टाइप के मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली बात हम सीखने जा रहे हैं, मैनेजमेंट फॉर द ब्रेडी अरिथमियास। बच्चे शुरू करते हैं, ब्रेडी अरिथमियास कोजिंग द सिम्टम्स। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेडी अरिथमिया की वजह से सिम्टम्स क्या क्या हो रहे हैं। प्रायोरिटी इज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कोज। सबसे पहली बात होती है, कभी भी ब्रेडी अरिथमिया का मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो मेरी इस बात को याद रखना बच्चे, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी रेस्पॉन्स क्या होता है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होता है, ब्रेडी अरिथमिया किस कारण से हो रहा है और उस कारण कोज को फाइंड आउट किया जाना चाहिए। और फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू ट्रीट द अंडरलाइंग कोज दैट विल कोजिंग द ब्रेडी अरिथमिया। तो यहां पर जो क्वेश्चन के अंदर ब्रेडी अरिथमिया हो रहा था वो हो रहा था बच्चों एमआई की वजह से। तो ब्रेडी अरिथमिया को ट्रीट करने से पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई द कोज ऑफ द ब्रेडी अरिथमिया, वी नीड टू आइडेंटिफाई द कोज ऑफ ब्रेडी अरिथमिया। तो हियर द ब्रेडी अरिथमिया इज कॉजेस बाय द एमआई। वहां क्वेश्चन के अंदर ब्रेडी अरिथमिया किस कारण से हो रहा था, एमआई की वजह से हो रहा था। तो व्हाट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन केस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडी अरिथमियास। तो पहली बात मेरी हमेशा याद रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू आइडेंटिफाई द कोज एंड देन प्रायोरिटी इज टू आइडेंटिफाई द कोज एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कोज, इट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहली प्रायोरिटी याद रखिएगा, अंडरलाइंग कोज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रीट दिस कोज। देन व्हाट यू नीड टू इन द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट मेंटेन द पेशेंट एयरवे, असिस्ट इन द ब्रीदिंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में जस्ट वी नीड टू मेंटेन द पेशेंट एयरवे एंड असिस्ट द पेशेंट इन ब्रीदिंग। ब्रेडी अरिथमिया का मैनेजमेंट जब भी कभी कर रहे हो तो सेकेंड स्टेप में ध्यान रखिए, फर्स्ट स्टेप में अंडरलाइंग कोज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कोज। देन इन द सेकेंड स्टेप we need to just maintain the airway of patient and then assist the patient in breathing. Then bache, in third step we need to apply the oxygen if hypoxemic. Yadi patient is just hypoxemic, just you need to connect the oxygen. Then monitor the pulse oximetry means give the information about perfusion. जैसे ही आपने पल्स ऑक्सीमेट्री किया बच्चों, पल्स ऑक्सीमेट्री करते ही हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिली, परफ्यूजन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अंडरस्टैंड, तो इन फर्स्ट स्टेप वी नीड टू आइडेंटिफाई द कोज फॉर द ब्रेडी अरिथमिया। इन सेकेंड स्टेप
in second step, we need to identify and treat the underlying cause. In second step, just we need to assist the patient in breathing and maintain the airway. In third step, you will connect the oxygen. Apply the cardiac monitor, and monitor the blood pressure. Then start the IV access and then taken the 12 lead ECG. Do not delay. बच्चों यहां तक आते आते मैं ये समझ चुका हूं कि पेशेंट सेटल हो चुका है, यानी पेशेंट जिसको हम कहते हैं पेशेंट सेटलमेंट इन द वार्ड, पेशेंट इज सेटल्ड इन द वार्ड, वार्ड में पेशेंट जो सेटल हो जाता है, तो जस्ट पेशेंट इज सेटल्ड इन द कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी में पेशेंट का सेटलमेंट क्या होता है, ब्रेडियारिथमिया का पेशेंट है, तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट प्रायोरिटी अंडरलाइंग कॉज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रीट द कॉज. इन सेकेंड स्टेप you need to just maintain the airway of patient and you need to assist in the breathing, then apply the oxygen, then take the pulse oximetry, then apply the cardiac monitor and then monitor the blood pressure of the patient, then IV access should be started, then taken the 12 lead ECG. So one by one you need to manage the bradyarrhythmia step by step. Yahan tak aate aate patient settle ho chuka hai. Understand bachche? Ab hum aage badhate hain baat ko. अब हम कहते हैं इफ ब्रेडी अरिथमिया कोजिंग, तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम ये कंफर्म करने वाले हैं क्या ब्रेडी अरिथमिया की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या हाइपोटेंशन हो रहा है, क्या अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, क्या बच्चे साइन ऑफ शोक है, क्या इस्केमिया ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, इस्केमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इट मींस क्या एंजाइना है, क्या एक्यूट हार्ट फेलियर है. तो जस्ट जो क्वेश्चन ने कहा था हमें उसमें से हम चेक करते हैं कि ब्रेडी अरिथमिया में यानी कि बीपी लेस देन 40 आ रहा था. देखो आपने क्वेश्चन देखा था अभी, तो जस्ट यू विल आंसर दैट बीपी लेस देन 60, बीपी 60 से कम आ रहा है, मींस हाइपोटेंशन है, बीपी हाइपोटेंशन है. क्या इस्केमिक हार्ट प्रॉब्लम है, तो जस्ट क्वेश्चन खुद कह रहा है एमआई का पेशेंट है, मींस इस्केमिक हार्ट प्रॉब्लम भी है. तो देखिएगा बच्चे क्वेश्चन में क्या देखा, जस्ट हमने क्या देखा तो हम ये कह रहे हैं क्या ब्रेडियारिथमिया कॉजिंग, क्या ब्रेडियारिथमिया की वजह से इनमें से कौन कौन से सिम्टम हो रहे हैं, क्या हाइपोटेंशन हो रहा है, क्या मेंटल स्टेटस अल्टर्ड है, क्या साइन ऑफ शोक है, क्या इस्केमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्या एक्यूट हार्ट फेलियर है, तो श्योर हाइपोटेंशन भी हो रहा है, मेंटल स्टेटस अल्टर्ड है, साइन ऑफ शोक भी प्रेजेंट है, इस्केमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है और एक्यूट हार्ट फेलियर भी प्रेजेंट है. तो बच्चे जब हम ये पांच बातें कंफर्म करेंगे तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, या तो यस और या फिर नो, या तो यस या फिर नो. अंडरस्टैंड, यस या नो अब ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट क्या मैनेजमेंट करना है. अंडरस्टैंड, या तो यस या नो. तो एक बार स्पीडली रिव्यू करके देखते हैं, जब भी कभी I am just teaching you अबाउट द मैनेजमेंट फॉर द ब्रेडियारिथमिया. तो ब्रेडियारिथमिया का मैनेजमेंट करोगे तो फर्स्ट स्टेप यू नीड टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज एंड ट्रीट इट. पहला तो जिस कारण से ब्रेडियारिथमिया हो रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाए एंड ट्रीट किया जाए, देन उसके बाद मेंटेन द एयरवे, देन असिस्ट इन द ब्रीदिंग, देन अप्लाई द ऑक्सीजन, देन इफ द पेशेंट इज हाइपोक्सिमिक, देन टेकन द पल्स ऑक्सीमेट्री, then apply the cardiac monitor, then monitor the blood pressure, then start the IV access, then then taken the 12 lead ECG, do not delay, then confirm the five symptoms. Just confirm the five symptoms. First is hypotension present? Is mental status is altered? Is show sign of shock is present? If ischemic discomfort is present? If acute heart failure is present? So yahan se hame do answer milenge. या तो यस ये सब हैं या फिर नो. अंडरस्टैंड बच्चे, तो दो बातें यहां से मिलने वाली है. तो चलिएगा अब क्या करने वाले हैं आगे. तो दो बातें मैंने कहा था, या तो नो और या फिर मिलेगा यस. यदि अगर नो यानी पांचों सिम्टम प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जस्ट मॉनिटर एंड ऑब्जर्व द पेशेंट. मॉनिटर एंड ऑब्जर्व, नथिंग नीड टू डू एनी मोर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ओनली पेशेंट इज ऑलरेडी सेटल्ड, पेशेंट सेटल हो चुका है. यू नीड ओनली टू मॉनिटर द पेशेंट, नथिंग एल्स, नथिंग नीड टू डू. यदि अगर ये पांचों सिम्टम बच्चे प्रेजेंट है पेशेंट में दिख रहे हैं, तो व्हाट मैनेजमेंट वी रिक्वायर.
So if these symptoms are present, just first we need to give the atropine. सबसे पहला हमें atropine देना होगा. कितना देते हैं? 0.5 mg. किस रूट से दिया जाएगा? IV push and repeat. And repeat. So just what is the dose of atropine? Atropine ध्यान रखिएगा किस में देते हैं? ब्रेडी अरिथमियाज में. कब देंगे? ब्रेडी अरिथमियाज के क्लाइंट्स को एट्रोपिन दिया जाता है. अंडरस्टैंड? कितना देते हो? 0.5 mg. किस रूट से देते हो? आईवी पुश. देन रिपीट इन एवरी 3 to 5 मिनट. इट कैन बी रिपीट इन एवरी 3 to 5 मिनट. तो व्हाट इज द करेक्ट रिपीटेशन टाइम फॉर द एट्रोपिन? एट्रोपिन को 3 to 5 मिनट में रिपीट किया जा सकता है. मैक्सिमम कितना डोज दिया जा सकता है? मैक्सिमम 3 mg तक दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते. तो 3 mg डोज के लिए कितने टाइम एडमिनिस्टर कर सकते हो? 6 टाइम. बिकॉज वन डोज हैव द 0.5 mg एंड सो द 6 डोज इक्वल टू 3 mg 3 mg मैक्सिमम. इफ एट्रोपिन इनइफेक्टिव, यदि एट्रोपिन से ब्रेडी अरिथमिया सबसाइड नहीं होता है, एट्रोपिन इफेक्ट नहीं करता है, ब्रेडी अरिथमिया अभी भी बना हुआ है, देन ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग इज रिक्वायर्ड. अंडरस्टैंड बच्चे? तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है. जो क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, तो जस्ट आवर नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग. तो यहां आकर के हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है. बच्चे अब देखिएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज और आपको आगे बढ़ाता हूं. तो ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग हमने कर दिया, देन डोपामिन और इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन मे बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू द टीसीपी. तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बड़े ही सुंदर तरीके से आज मैंने पूरा ब्रेडी अरिथमिया का मैनेजमेंट आपके सामने पेश किया है. ये मैनेजमेंट हमारे मॉड्यूल्स के अंदर मैनेजमेंट है. ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासरूम के अंदर. तो क्लासरूम में जो हम पढ़ाते हैं वही सेम मैनेजमेंट मैंने आज आपको क्लास से प्रेजेंट किया है. अंडरस्टैंड बच्चे कि ब्रेडी अरिथमिया कैसे मैनेज करते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली, क्योंकि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब आते हैं बच्चों फर्स्ट एक्शन, लास्ट एक्शन, प्रायोरिटी, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आंसर्स पूछे जाते हैं. कभी भी एक ऐसे सलाद टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है. क्वेश्चन आता है टारगेट बेस्ड. जैसे यहां से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, अल्टरनेट टू द ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग. तो टीसीपी का अल्टरनेट क्या हो सकता है बच्चों? डोपामिन भी हो सकता है, इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन भी हो सकता है. तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव फॉर द ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग? यदि अगर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है. क्या क्या है? साहब डोपामिन इन्फ्यूजन भी वही काम करेगा जो ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करेगा. हमारे पास इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन भी वही वर्क करेगा, वही फंक्शन करेगा जो ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करता है. क्लियर है? तो डोपामिन और इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन कैन ऑल्सो बी गिवन एज द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर द टीसीपी ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग. तो यहां से क्वेश्चन किया जा सकता है. क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, मैं बताऊंगा लास्ट में आपको कि कितने क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं. अब एक और जो जानदार क्वेश्चन होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, वो याद रखिए. यदि अगर आप यूज कर रहे हो डोपामिन या इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन, तो व्हाट इज द इन्फ्यूजन रेट ऑफ द डोपामिन? तो डोपामिन का इन्फ्यूजन रेट होता है 2 to 20 microgram per kg per minute और इपिनेफ्रिन का इन्फ्यूजन रेट होता है 2 to 10 microgram per kg per minute. तो बच्चे इपिनेफ्रिन का इन्फ्यूजन रेट होता है 2 to 10 और डोपामिन का इन्फ्यूजन होता है 2 to 20. दोनों को याद रखिए, डोपामिन इन्फ्यूजन 2 to 20 होता है, इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन होता है 2 to 10. तो इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन इज 2 to 10 microgram per kg per minute, वेर इज द डोपामिन इन्फ्यूजन 2 to 20 microgram per kg per minute. क्लियर है बच्चों? तो दोनों तरफ से ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को कि डोपामिन इन्फ्यूजन कितना होता है और इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन कितना होता है. ये होता है बच्चे ओवरऑल एक ब्रेडीकार्डिया का मैनेजमेंट, ब्रेडी अरिथमियास का मैनेजमेंट सीक्वेंशियली एक वन बाय वन जो स्टेप होते हैं वो आपके सामने मैंने आज प्रेजेंट किए हैं. तो जिस तरह से वन बाय वन सीक्वेंशियली आप ब्रेडी अरिथमिया को मैनेज करोगे,
तब जाकर के आपको कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि अब 100% कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप उसको बिल्कुल करेक्ट करने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर लीजिएगा। यदि अगर आपने अच्छी एबिलिटी अपनी बना ली तो कंपटीशन नर्सिंग के अंदर इतना भारी कंपटीशन नहीं होता है, इजी कंपटीशन होता है। बस आपका जो टीचिंग और जो आपका लर्निंग का जो मेथड है वो इजी होना चाहिए, सिंपलेस्ट होना चाहिए। अब आपको पता है कि इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन 2:10 होता है, डोपामिन इन्फ्यूजन 2:20 होता है। अंडरस्टैंड सिक्वेंशियली क्या करना होता है, तो देखिएगा बच्चे कि किस तरह से अब मैं आपको क्वेश्चंस गिनवाने वाला हूं कि कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हुए थे। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास, अब आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा क्योंकि अब आप पूरा एक्सप्लेनेशन जान चुके हो। अब देखिए क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, अ 50-year-old पेशेंट विद द फीचर ऑफ द पुअर परफ्यूजन। तो पहला फीचर क्या मिला, पुअर परफ्यूजन। अंडरस्टैंड फॉलोइंग द एमआई हो रहा है इस्केमिक हार्ट डिजीज है। सेकेंड फीचर, ऑन एग्जामिनेशन हार्ट रेट इज 40, हार्ट रेट 40 है, इससे मैं पहचाना कि इसको क्या हो रहा है, ब्रेडीकार्डिया है। क्या है, ब्रेडीकार्डिया है। बीपी इज 60 mmHg सिस्टोलिक, मैं समझ गया कि इसको हाइपोटेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है। एट्रोपिन इसे मैं दे चुका हूं, एट्रोपिन वॉज गिवन कितनी बार दे चुका हूं, ट्वाइस ओवर द 5 मिनट, 5 मिनट के गैप में 2 बार एट्रोपिन एडमिनिस्टर कर दिया है। बट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग, वॉट इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप। तो हमारा बेस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो बेस्ट नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चे ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। क्या होगा, ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। यदि यहां पर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग नहीं होता ध्यान से देखना, यहां पर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग नहीं होता बच्चा, तो क्या हो सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोपामिन स्टार्ट द डोपामिन या फिर इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन, ये ऑप्शन भी यहां पर सही होता, स्टार्ट द डोपामिन या इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन, ये ऑप्शन भी करेक्ट होता। क्लियर हो गया है, डोपामिन या इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर द टीसीपी। ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग के लिए डोपामिन एंड इपिनेफ्रिन दे आर द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर टीसीपी। अंडरस्टैंड डोपामिन यदि अगर आपको स्टार्ट करना है तो द इन्फ्यूजन रेट इज 2:20 माइक्रोग्राम, then if you want to start the epinephrine then 2:10 microgram is the infusion rate for the epinephrine. Understand? Then next step में हम क्या करते हैं, अब जानते हैं management. तो what the explanation, हमसे सबसे पहले का bradyarrhythmia causing the symptom, यदि bradyarrhythmias के कारण ऐसा हो रहा है, सिम्टम्स अपियर हो रहे हैं, तो जस्ट प्रायोरिटी, सबसे पहला प्रायोरिटी होता है टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कोज। अंडरलाइंग कोज को आइडेंटिफाई करके ट्रीट किया जाना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन मेंटेन द एयरवे, दैट इज द सेकंड स्टेप। मेंटेन द असिस्ट इन द ब्रीदिंग, दैट इज द थर्ड स्टेप। अप्लाई द ऑक्सीजन, देन मॉनिटर द ऑक्सीमेट्री, देन द परफ्यूजन, देन अप्लाई द कार्डियक मॉनिटर एंड जस्ट मॉनिटर द बीपी, देन स्टार्ट द आईवी एक्सेस, देन स्टार्ट द 12 लीड ईसीजी। क्लियर है बच्चे। देन इसके बाद अब हम अपने आप से एक क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं कि इज ब्रेडियारिथमिया कोजिंग, क्या ब्रेडियारिथमिया से ऐसा हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, साइन ऑफ शोक, इस्केमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एक्यूट हार्ट फेलियर। तो ये पांचों कंडीशन पेशेंट के अंदर प्रेजेंट थी, यस और नो प्रेजेंट थी, तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, आंसर आएंगे, या तो यस होगा या फिर नो होगा। यदि अगर नो है, यदि अगर आपके इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर नो है तो फिर पेशेंट सेटल हो चुका है, नथिंग नीड टू डू एनी मोर, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि अगर पांचों क्वेश्चंस का आंसर यस है, जो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया था, हाँ श्योर वो सब चीजें है, यानी वो सारे सिम्टम प्रेजेंट है बच्चा, तो क्या करना होगा, एट्रोपिन दिया, एट्रोपिन का डोज 0.5 आईवी पुश एंड इट विल बी रिपीट इन एवरी 3 to 5 मिनट, हर 3 से 5 मिनट में रिपीट कर सकते हो एट्रोपिन को। एट्रोपिन की मैक्सिमम 3 mg डोज दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। देन एट्रोपिन यदि इन इफेक्टिव है तो इन नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू डू द ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। देन व्हाट आर द अल्टरनेट ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, देन डोपामिन, देन इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन मे बी यूज्ड एज द अल्टरनेटिव टू द टीसीपी। देन बच्चे डोपामिन इन्फ्यूजन यदि शुरू करेंगे तो इन्फ्यूजन रेट होगा 2:20, इपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन यदि यूज करेंगे तो इन्फ्यूजन रेट होगा 2:10 microgram per kg।
अंडरस्टैंड बच्चो, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल माई फ्रेंड्स, यस ओ नो? प्यारे बच्चो, आई होप यू अंडरस्टैंड ना? क्या समझ गए आप किस तरह से ब्रैडीकार्डिया का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे ना कहीं भी? लाइफ में कोई भी एग्जाम देना, मेरा ये लेक्चर जरूर देख लेना, यानी कि कभी भी अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो मेरे जितने भी लेक्चर से जो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ वो आप ध्यान से लेक्चर्स देख के चले जाओगे। एम्स में भी अगर एग्जाम सेंटर पे आप हैं तो एग्जाम सेंटर के बाहर भी खड़े होके एग्जाम में जाने से पहले आप मेरा वुगली स्टूडियो खोल लेना, वुगली स्टूडियो खोल करके, और जो भी टॉपिक आपका कमजोर हो उस टॉपिक को एक बार देख लेना, गारंटी से कह रहा हूँ। इमेज बेस्ड जितने भी हैं वो सब देख लेना बच्चे, इमेज बेस्ड एग्जाम हॉल में एंट्री करने से पहले मोस्ट इमेज बेस्ड पूरे देख के जाना। तो जब कभी भी डायरेक्टली अभी अभी आपने देखा और आप पता है कि 20 मिनट बाद एग्जाम सेंटर में जाने वाले हो, तो जैसे ही एग्जाम सेंटर में जाओगे तो करंट में जो भी बात आप पढ़ रहे हो वो आपको काफी अच्छे से याद रहता है, और जाते ही करीब 20 क्वेश्चन आप इमेज बेस के करेक्ट कर लेना, काफी बेस्ट रिस्पॉन्स और काफी बेस्ट रिजल्ट हम लोगों का रहेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना, हमेशा कभी भी ब्रैडीकार्डिया का मैनेजमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो इस वीडियो को ओपन करके देख लेना, चाहे कोई भी एम्स का एग्जाम दे, इसके बाद ब्रैडीकार्डिया के मैनेजमेंट में कोई कंफ्यूजन आपको अब नहीं होगा, श्योर नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन में मैं पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है बच्चों? देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ इन कमोशियो कॉर्डिस? गिव आंसर प्लीज, आई होप यू विल गिव मी द गुड आंसर। व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ इन कमोशियो कॉर्डिस? वेरी गुड, शाबाश, चलिए आइए सुनते हैं क्वेश्चन। बच्चे कमोशियो कॉर्डिस क्या होता है? कमोशियो कॉर्डिस होता है नॉन पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रोमा। जैसे फुटबॉल की वजह से अगर डायरेक्टली हार्ट के ऊपर ट्रोमा होता है तो वो ट्रोमा कहलाता है कमोशियो कॉर्डिस। तो नॉन पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रोमा इज कॉल्ड एज द कमोशियो कॉर्डिस। और जब कभी भी कमोशियो कॉर्डिस होता है तो इसके कारण कौन सा अरिथमिया होगा बच्चे? वेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन। एंड सो द राइट आंसर इज बी। क्या आंसर सही है? राइट आंसर इज बी। अंडरस्टैंड गाइस? देन अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन कुछ आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। नॉन पेनिट्रेटिंग ब्लंट ट्रोमा टू द चेस्ट कैन ट्रिगर द VF। कौन सा टाइप का अरिथमिया ट्रिगर हुआ? VF को ट्रिगर करता है एंड लीड्स टू सडन कार्डियक डेथ। दिस इज कॉल्ड एज द कमोशियो कॉर्डिस एंड अकर्स इन द स्पोर्टिंग इंजरीज। तो ध्यान रखिए, यहां से जो आपको क्वेश्चन किया जा सकता है छोटा सा, वो क्वेश्चन हो सकता है स्पोर्टिंग इंजरीज। क्या हो सकता है? स्पोर्टिंग इंजरीज, ट्रॉमा टू द चेस्ट एट पीक ऑफ द टी वेव ऑफन कॉल्ड एज द वनरेबल पीरियड ऑफ द हार्ट ट्रिगर्स VF। एक एडवांस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो हो सकता है आपने पहले नहीं सुना हो, आज आप सुन लीजिएगा ध्यान से बच्चे। यदि मैं कहूं कि जस्ट आज मैं आपको एक बात बताता हूं जो इंपॉर्टेंट बात है, ट्रॉमा टू द चेस्ट एट द पीक ऑफ टी वेव। तो देखिएगा बच्चे, जब हम ECG बनाएंगे PQRST, and still that P wave is formed in the ECG due to atrial systole. QRS complex is formed in the ECG due to ventricular systole. T wave formed in the ECG due to the ventricular diastole. अब आपसे ये कहा जा रहा है जब वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल होता है तो जस्ट दिस पॉइंट इज द पीक ऑफ टी वेव। दिस इज द पीक ऑफ टी वेव, ये टी वेव का पीक पॉइंट है बच्चा। अंडरस्टैंड? अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जस्ट अकर्स द कमोशियो कॉर्डिस एंड अकर्स इन द स्पोर्टिंग इंजरी। स्पोर्टिंग इंजरीज में कमोशियो कॉर्डिस होता है, जैसे फुटबॉल खेल रहे हो एकदम यहाँ चेस्ट पे आके पड़ती है तो हार्ट के ऊपर किस तरह से इंजरी होती है? नॉन पेनिट्रेटिंग ब्लंट ट्रॉमा होता है और इसके कारण हो जाता है VF।
तो वीएफ जब होता है तो कार्डियक डेथ हो सकती है, कमोशियो कॉर्डिस इसको कहा जाता है। अब हमने कहा अकर्स इन द स्पोर्टिंग इंजरी। अब एक बात जो एडवांस हम शेयर करना चाहते हैं आपसे वो है, हो सकता है इस साल एग्जाम में पूछ ले, ट्रॉमा टू द चेस्ट एट द पीक ऑफ टी वेव, पीक ऑफ टी वेव ऑफन कोल्ड एज द वनरेबल पीरियड ऑफ द हार्ट ट्रिगर्स वीएफ। यदि हम कहें कि वीएफ के लिए मोस्ट वनरेबल पीरियड कब होता है, मोस्ट वनरेबल पीरियड फॉर द वीएफ, तो बच्चों वीएफ के लिए मोस्ट वनरेबल पीरियड क्या होता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब टी वेव का पीक पॉइंट हो, पीक ऑफ टी वेव, और उस समय यदि अगर हार्ट पे इंजरी होती है तो श्योर 100% होता है कि इसको वेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन होगा। तो व्हेन द श्योर वेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन विल अकर्स एट द पीक ऑफ टी वेव, पीक ऑफ टी वेव मींस हुआ है पीक डायस्टोल, पीक ऑफ द डायस्टोल इन वेंट्रिकल, अंडरस्टैंड। तो पीक ऑफ टी वेव इज द वनरेबल पीरियड ऑफ द हार्ट टू ट्रिगर द वीएफ। वीएफ की शुरुआत मोस्टली वनरेबल पीरियड होता है पीक ऑफ टी वेव, इस बात को ध्यान रखना। पीक ऑफ टी वेव इज द मोस्ट वनरेबल टाइम टू डेवलप द वीएफ। अंडरस्टैंड बच्चों, तो काफी मोस्ट क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन इससे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, अंडरस्टैंड। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन योर स्क्रीन इज दैट Which of the following statement is true about the atropine and its role in the cardiac arrest protocol? बच्चे cardiac arrest protocol में atropine को लेकर कौन सा statement सही है? Which statement is correct about the atropine in cardiac arrest protocol? बच्चे ऑप्शंस पूरे पढ़ना। एट्रोपिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल, पहली बात बोली है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द प्रोटोकॉल, एट्रोपिन प्रोटोकॉल एंड रोल इन द कार्डियक अरेस्ट प्रोटोकॉल। क्या कार्डियक अरेस्ट प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है एट्रोपिन? तो दिस ऑप्शन इज नॉट अ राइट आंसर। एट्रोपिन इज यूज आफ्टर द फेलियर ऑफ रिपीट ऑफ द एपिनेफ्रिन। नहीं, एपिनेफ्रिन तो बाद में यूज करते हैं। अरे एपिनेफ्रिन जो इसमें दिया है, एपिनेफ्रिन तो क्या है, एपिनेफ्रिन तो टीसीपी का अल्टरनेटिव तरीका है, यस और नो। और जब हम एट्रोपिन देते हैं और एट्रोपिन असरकारक नहीं हुआ है, यानी एट्रोपिन से ब्रेडिकार्डिया सबसाइड नहीं हुआ है, तब जाके हम एपिनेफ्रिन यूज करते हैं, कि ना कि जस्ट बच्चे एट्रोपिन इज यूज्ड आफ्टर द रिपीट ऑफ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन पहले एट्रोपिन यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं टीसीपी या फिर डोपामिन या फिर एपिनेफ्रिन। अंडरस्टैंड बच्चा, तो सबसे पहले एट्रोपिन यूज करते हैं, क्या डोज होती है, 0.5 mg होता है, यस और नो। तो तब जाके हम टीसीपी करते हैं, इपिनेफ्रिन यूज करते हैं। और ऑप्शन थर्ड हमसे कह रहा है कि एट्रोपिन इज यूज्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ रिपीट ऑफ द इपिनेफ्रिन, रॉन्ग ऑप्शन। एट्रोपिन इज यूज्ड आफ्टर फेलियर ऑफ द रोस्क विद द डिफिब्रिलेशन, ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द एट्रोपिन, इज एट्रोपिन इज यूज्ड ओनली फॉर द ब्रेडिकार्डिया, क्लियर है? सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। Then, during the management of VF, ventricular fibrillation, what is the true about the use of vasopressin? अब इस क्वेश्चन में काफी ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, ये कार्डियोलॉजी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सबसे पहला जानदार क्वेश्चन है। यानी कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन देता हूँ, यानी कि सिंपली केवल हम क्वेश्चन 10 करते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन में कम से कम 500 क्वेश्चन कर लेंगे अपन, 10 क्वेश्चन में कम से कम 500 क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, ओके बच्चे? यानी 10 क्वेश्चन ही इतने ज्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन है कि वन हार में जो 10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, तो आप ये मान लीजिएगा कि 500 क्वेश्चन करके जाते हो 1 घंटे की क्लास के अंदर, ओके? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये, डेली 10 to 11, डेली क्लास 10 to 11 होती है। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट सीरीज 21 तक ओपन कर दिया है, 21/1/2019
तक टेस्ट सीरीज, जीरो प्राइस टेस्ट सीरीज 20 तक जीरो प्राइस टेस्ट सीरीज एम्स, जीरो प्राइस टेस्ट सीरीज ओपन अगेन अगेन बच्चों की रिक्वेस्ट पर ओपन कर दिया है बच्चों। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है दे कैन अप्लाई, दे कैन फिल द फॉर्म एंड अप्लाई। आपको केवल फॉर्म फिल करके और गिवन व्हाट्सएप नंबर पे अपनी जेपीजी अपने फॉर्म के स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना है। उसके बाद आपका 21 जनवरी से पहले पहले ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में जो एरर आ गया था ओबीजी वाले पेपर में वो करेक्ट करवा दिया है, और पीडियाट्रिक का पेपर वेबसाइट पे अवेलेबल है, पोर्टल पे अवेलेबल है, वो पेपर आप सोल्व कर लेना। पेपर के क्वेश्चंस और क्लासेस के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा एडवांस और एक्सपर्ट क्वेश्चन से काफी ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। हो सकता है आपको इनमें से काफी क्वेश्चंस इन आने वाले जो एग्जाम्स आप देने जा रहे हो उसमें मिलेंगे, और जिसमें इमेज बेस्ड ये क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, टोटल जो मैं आपको ये 15 डेज से प्रिपरेशन दे रहा हूँ, ये 15 डेज की प्रिपरेशन आपकी पूरे साल भर की प्रिपरेशन के ऊपर चार चांद लगाने का काम करेगी। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लियर है? और अच्छा सॉरी, अभी साइट में एरर है, साइट पे वर्क चल रहा है अभी थोड़ा सा, तो साइट अभी ओपन नहीं होगा बच्चों, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, परेशान मत होना। वेबसाइट में अभी अंडर वर्किंग है, तो अभी वेबसाइट ओपन नहीं होगा, एग्जाम पोर्टल ओपन नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, है ना? अभी नहीं होगा। अभी जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनके पास आईडी पासवर्ड तो आ गए होंगे, लेकिन अब न्यू रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अंडर वर्किंग है, वो काफी ज्यादा रश एक साथ वेबसाइट पे आया है, तो वेबसाइट उस वजह से अभी अंडर वर्किंग है, थोड़ी प्रॉब्लम में है। अंडरस्टैंड, जैसे ही करेक्ट हो जाएगा मैं इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा दूंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ द वीएफ व्हाट इज द ट्रू अबाउट द यूज ऑफ वैसोप्रेसिन। हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैसोप्रेसिन का यूज क्या होता है, नेवर यूज, यूज एवरी 3 मिनट, फर्स्ट द ड्रग ऑफ चॉइस, यूज विद द एड्रेनालिन। तो देखिएगा क्या आंसर जाता है, मैं आपको अभी इसका पूरा मैनेजमेंट सिखाता हूं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे मैनेजमेंट फॉर द टेकीअरिथमियास। टेकीअरिथमियास का मैनेजमेंट क्या होता है, इमीडिएट डिफिब्रिलेशन। बच्चे टेकीअरिथमियास में क्या करते हैं, वीटी वीएफ, वीटी एंड पल्सलेस वीटी, यदि वीटी हो या पल्सलेस वीटी हो तो इमीडिएट डिफिब्रिलेशन विद इन 5 मिनट ऑफ ऑनसेट। बच्चों यदि कभी भी वीटी और वीएफ वाला पेशेंट यदि आपको मिलता है, वीटी और वीएफ वाला पेशेंट मिलता है, तो इमीडिएटली विद इन फाइव मिनट वी नीड्स टू डिफिब्रिलेट द पेशेंट। 60 से 90 सेकेंड ऑफ द सीपीआर बिफोर द डिफिब्रिलेशन फॉर डिले 5 मिनट। यानी हमेशा डिफिब्रिलेट करने से पहले आपको सीपीआर प्रोवाइड करना है। इफ रिटर्न ऑफ द सर्कुलेशन फेल्स, यदि फिर भी सर्कुलेशन नहीं रिटर्न हुआ है, यानी फिब्रिलेशन, बच्चे जब फिब्रिलेशन होगा तो वाइब्रेट करने लगेगा हार्ट, इस तरह से हार्ट में हार्ट स्टार्ट टू वाइब्रेट, ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगेगा, और वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, इट मींस जब कभी भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो कार्डियक आउटपुट जीरो हो जाता है, और कार्डियक आउटपुट यदि जीरो हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट के जीरो हो जाने की वजह से पेरिफेरल सप्लाई रुक जाती है, मींस कार्डियक अरेस्ट हो जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के कारण। तो इमीडिएटली वी नीड टू डिफिब्रिलेट द पेशेंट, या फिर जस्ट स्टार्ट द सीपीआर बिफोर द डिफिब्रिलेशन। इफ The return of circulation fell, then what you need to do in next step, हमें क्या करना होगा, 5 cycle of CPR followed by the repeated shock, repeat sequence twice if needed. फिर भी यदि if circulation return to fail, continue CPR, intubate and IV access, then उसके बाद हमें क्या करना है, CPR continue करना है, इंट्यूबेट करना है, देन आईवी एक्सेस स्टार्ट कर देना है। बच्चे देन क्या करना है, इपिनेफ्रिन 1 mg आईवी और वैसोप्रेसिन 40 यूनिट आईवी फॉलोड बाय द रिपीटेड डिफिब्रिलेशन एट मैक्सिमम एनर्जी विद इन 30 से 60 सेकेंड एज रिक्वायर्ड, रिपीट इपिनेफ्रिन, जहां जरूरत होती है इपिनेफ्रिन रिपीट करना होता है। तो इपिनेफ्रिन का डोज कितना, 1 mg किस रूट से देना है आपको, आईवी रूट से देना है। वैसोप्रेसिन का डोज कितना, 40 यूनिट किस रूट से देना है, आईवी रूट से देना है। देन फिर क्या करना है, फॉलोड बाय द रिपीटेड डिफिब्रिलेशन, फिर से डिफिब्रिलेशन करना होता है एट मैक्सिमम एनर्जी
within the 30 से 60 सेकेंड एज रिक्वायर्ड, रिपीट द इपिनेफ्रिन, अगर जरूरत पड़ती है फिर इपिनेफ्रिन रिपीट करें। तो इपिनेफ्रिन सबसे पहली बात, जब कभी भी किसी भी वीएफ के पेशेंट को मैनेज कर जा रहे हो आप, पल्सलेस वीटी, पल्सलेस वीटी है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, तो इन फर्स्ट स्टेप वी नीड टू डू द सीपीआर, देन वी नीड टू डू द डीफैब, देन वी नीड टू एडमिनिस्टर द इपिनेफ्रिन, देन वी नीड टू एडमिनिस्टर द वैसोप्रेसिन, अंडरस्टैंड गाइस, देन वी नीड टू, फर्स्ट हमने यहां से मार्क किया, चलो मैं मार्क करता हूं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इमीडिएटली स्टार्ट द सीपीआर, देन उसके बाद में डीफैब करेंगे, देन इफ रिटर्न इज फेल, यदि रिटर्न नहीं होता है तो फिर से आप क्या करोगे, सीपीआर फॉलोड बाय शॉक, तो सीपीआर शॉक, सीपीआर शॉक, सीपीआर शॉक, सीपीआर शॉक, अंडरस्टैंड, दो बार रिपीट किया, देन थर्ड स्टेप में, देन उसके बाद फिर यदि रिटर्न नहीं होता, सर्कुलेशन फिर भी रिटर्न नहीं हुआ, तो देन अगेन कंटिन्यू द सीपीआर, इंट्यूबेट और आईवी एक्सेस विल बी स्टार्टेड, फिर भी इफ द रिटर्न सर्कुलेशन इज फेल टू रिटर्न, देन एडमिनिस्टर द इपिनेफ्रिन 1 mg आईवी वैसोप्रेसिन 40 यूनिट, एंड देन रिपीट द डीफैब अगेन, डीफैब फिर से रिपीट करना है एट द मैक्सिमम एनर्जी, अंडरस्टैंड, इफ इन नेक्स्ट कंडीशन इफ रिटर्न ऑफ द सर्कुलेशन फेल्स, बच्चे फिर भी यदि अगर सर्कुलेशन वापस से रिटर्न नहीं होता है तो क्या करना होगा, इपिनेफ्रिन एंटीडिसरिथमिक और सोडियम बाइकार्बोनेट मेडिसिन यूज करना है। एंटीडिसरिथमिक ड्रग्स कौन कौन सी यूज कर सकते हो, अमाइडेरोन, लाइडोकेन, मैग्नीशियम सल्फेट, प्रोकेनामाइड, इफ रिटर्न ऑफ सर्कुलेशन फेल्स, फिर भी सर्कुलेशन रिटर्न नहीं हुआ तो जस्ट डीफैब सीपीआर, ड्रग शॉक, ड्रग शॉक, देन फिर जो हमारा नेक्स्ट मैनेजमेंट होगा वो ड्रग शॉक, ड्रग शॉक, ड्रग शॉक, अंडरस्टैंड बच्चे, तो ड्रग शॉक, ड्रग शॉक, ड्रग शॉक, ड्रग शॉक, यही आपको करना होता है। तो टैकीकार्डियास का, जो टैकीअरिथमियास होते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, सबसे पहला सीपीआर, फिर डीफैब, फिर सीपीआर, फिर डीफैब, यदि सर्कुलेशन रिटर्न नहीं हुआ तो 5 साइकिल कंप्लीट करें सीपीआर के, देन रिपीट द शॉक, देन अगेन डीफैब करें, फिर भी अगर कंटिन्यूसली सर्कुलेशन रिटर्न नहीं हुआ तो इन दिस कंडीशन सीपीआर शुड बी कंटिन्यू, देन इंट्यूबेट द पेशेंट, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे, देन आईवी एक्सेस विल बी स्टार्टेड, देन इफ एपिनेफ्रिन इज गिवन एट 1 mg, देन वैसोप्रेसिन कैन ऑल्सो गिवन बी 40 mg, इफ द अगेन सर्कुलेशन इज रिटर्न टू फेल, नॉट रिटर्न, देन इपिनेफ्रिन, देन एंटीडिसरिथमिक, देन सोडियम बाइकार्बोनेट, देन इफ द सर्कुलेशन अगेन रिटर्न टू फेल, फिर से रिटर्न नहीं हुआ, देन व्हाट यू नीड टू डू, डीफैब सीपीआर, ड्रग शॉक, ड्रग शॉक, ड्रग शॉक, इसी तरह से आपको मैनेज करना होता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ द वीएफ व्हाट इज द ट्रू अबाउट द यूज ऑफ वैसोप्रेसिन, जस्ट बच्चे नेवर यूज्ड वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन यूज्ड विद द एड्रेनालिन, किसके साथ यूज किया जाता है, एड्रेनालिन के साथ यूज किया जाता है, सो द डी इज वेरी राइट आंसर, क्लियर हो गया है बच्चा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अंडरस्टैंड, देन क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्किन इज दैट वन ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ द कंसील्ड एक्यूट ब्लीडिंग, कंसील्ड एक्यूट ब्लीडिंग का मोस्ट अर्लीस्ट साइन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मोस्ट अर्लीस्ट साइन फॉर कंसील्ड एक्यूट ब्लीडिंग, आंसर प्लीज, व्हाट इज द मोस्ट अर्लीस्ट साइन फॉर कंसील्ड एक्यूट ब्लीडिंग, वेरी गुड, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, और इसका एक्यूट ब्लीडिंग का मोस्ट अर्लीस्ट साइन होगा, अर्लीस्ट इंडिकेटर होगा टैकीकार्डिया, क्या होगा बच्चे, टैकीकार्डिया, बिकॉज यदि अगर ब्लीडिंग होता है तो ध्यान से देखिएगा, ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग होते ही डिक्रीज्ड पेरिफेरल सप्लाई, पेरिफेरल सप्लाई डिक्रीज होगा बच्चा, पेरिफेरल सप्लाई यदि डिक्रीज हुआ तो पेरिफेरल सेल्स डिमांड फॉर द ब्लड, डिमांड फॉर द फ्लूड सप्लाई, तो यहां से नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को जाता है और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर यहां से स्टिमुलेट होंगे और हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, मींस हो जाएगा टैकीकार्डिया। तो बच्चे पेरिफेरल सप्लाई घट जाने के कारण जब टैकीकार्डिया होता है तो ऐसा टैकीकार्डिया कहलाता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, क्या बोलते हैं इसको,
reflex tachycardia. So when the peripheral supply is reduced, and due to the reduce in the peripheral supply, so the negative feedback causes increasing the heart rate. Or so if the tachycardia develop due to this type से यदि tachycardia develop होता है, तो ऐसा tachycardia कहलाता है बच्चों reflex tachycardia. क्या बोलते हैं? Reflex tachycardia. Understand? Then next question. Client with myocardial infarction suddenly become the tachycardia, show the sign of air hunger and begins the coughing, frothy, pink tinge sputum. Which finding would the nurse anticipate when auscultating the client's breath sound? तो बच्चे इस question में क्या हो रहा है? Air hunger हो रहा है. Begins of the coughing or frothy pink tinge sputum. Which finding would the nurse anticipate when the auscultating the client breath sound? Very good, शाबाश. चलिएगा मैं सोल्व करवाता हूं. बच्चे इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो पेशेंट किस टाइप की डिजीज का क्लाइंट है? एमआई का पेशेंट है. अब एमआई यदि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में हुआ तो बच्चे एमआई के केस में हार्ट का हो जाता है नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस हो जाने की वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है. सेल्स की डेथ हो जाती है बच्चों. डेथ हो जाने की वजह से क्या होता है? हार्ट की फंक्शनल सेल्स की संख्या घट जाती है. तो डिक्रीज नंबर ऑफ फंक्शनल सेल्स के नंबर घटेंगे. फंक्शनल सेल्स के नंबर घटते ही डिक्रीज द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट. और हार्ट की पंपिंग एबिलिटी यदि डिक्रीज होगी बेटा, तो पंपिंग एबिलिटी डिक्रीज होते ही और क्या हो जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, LVF. यदि अगर LVF हो गया है तो इसकी वजह से लंग्स के अंदर डेवलप हो जाएगा पल्मोनरी एडिमा. फ्लूड का एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है लंग्स में, और लंग्स में फ्लूड का एडिमा कलेक्शन होते ही क्या डेवलप होगा? पल्मोनरी एडिमा. और पल्मोनरी एडिमा अगर डेवलप हुआ तो क्रैकल इज द मोस्ट अर्लीएस्ट इंडिकेटर. तो क्रैकल इन द लंग्स इज द मोस्ट अर्लीएस्ट इंडिकेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा. अंडरस्टैंड बच्चे? कलेक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड कलेक्ट होगा लंग्स के अंदर, और लंग्स में यदि अगर ब्लड कलेक्ट होगा ना बच्चों, तो इसकी वजह से क्या होगा? पिंक फ्रोथी स्पूटम होगा. एयर हंगर होगा, हाइपर वेंटिलेशन करेगा पेशेंट, और इसी के कारण से क्या होगा? इसी की वजह से पल्मोनरी एडिमा होगा, सफोगेशन होगा, कंजेशन होगा, और कंजेशन की वजह से हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाती है. इसीलिए LVF को कहा जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. क्यों कहा जाता है कंजेस्टिव? बिकॉज देयर इज अ जस्ट फॉर्मेशन ऑफ द एडिमा इन द लंग्स, और लंग्स में यदि एडिमा डेवलप हुआ तो इस वजह से कंजेशन शुरू हो जाता है, सफोगेशन होता है, और सफोगेशन एंड कंजेशन के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है. इसलिए बच्चों LVF को कहते हैं CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. और जब कभी भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा तो क्रैकल इज द मोस्ट अर्लीएस्ट इंडिकेटर फॉर दिस. क्लियर हो गया है गाइस? तो राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 7. अ क्लाइंट इज वियरिंग अ कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटर. इट मींस होल्टर मॉनिटर विच बिगिन टू द साउंड इट्स अलार्म. अ नर्स सीज नो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक कॉम्प्लेक्स ऑन द स्क्रीन. विच इज द प्रायोरिटी एक्शन ऑफ द नर्स. ये तो कार्डियक आईसीयू की बात कर रहा है. इसमें होल्टर नहीं कहेंगे यहाँ पर, तो ये आईसीयू की बात कर रहा है. मॉनिटर लगा हुआ है. तो जस्ट इन दिस कंडीशन क्या हुआ? कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग चल रहा है. विच बिगिन टू द साउंड इट्स अलार्म, अलार्म शुरू हो गया है. Then a nurse seen to electrocardiographic complex on the ECG, which is the priority nursing action to the nurse. Call a code, call the healthcare provider, check the client's status and lead placement. Very good. So the bache, third option is the right answer. Jab kabhi bhi yadi agar alarm sound bol raha hai, cardiac monitor yadi displaced ho gaya hai, aur agar alarm sound aapko sunai de raha hai, toh in first step, humare paas do baatein hain. Pehla hai patient. सेकेंड है इक्विपमेंट. इट मींस अलार्म. अंडरस्टैंड बच्चों? जब कभी भी कंपैरेटिवली ऐसी सिचुएशन डेवलप हो आपके पास वार्ड में, जब कभी भी आप ओटी आईसीयू में वर्क कर रहे हो, आईसीयू में वर्क कर रहे हो,
और यदि अगर आपके पास ऐसी टू सिचुएशंस डेवलप होती है जिसमें एक तरफ पेशेंट हो दूसरी तरफ इक्विपमेंट हो, तो सबसे पहले हमें पेशेंट को देखना है, फिर हमें इक्विपमेंट्स को देखना होता है। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू मेंटेन द पेशेंट, देन मेंटेन द इक्विपमेंट्स। इसलिए हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी एक्शन होगा चेक द पेशेंट स्टेटस, क्लाइंट स्टेटस, एंड देन अगेन चेक द लीड प्लेसमेंट। ओके, सो द थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। क्लाइंट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज अबाउट टू बी डिफिब्रिलेट, नर्स नो दैट इट कन्वर्ट दिस रिदम इफेक्टिवली, द मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर मशीन शुड बी सेट एट विच एनर्जी लेवल इन जूल फॉर द फर्स्ट डिलीवरी। अंजलि मिश्रा, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। डेली टाइमिंग 10 PM होता है, रात को 10 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। अंजलि, 10 PM शुरू हो जाती है क्लास बेटा रोज। आंसर इज नॉट करेक्ट आंसर, देखिएगा बच्चे, चलिएगा। बच्चों डिफिब्रिलेटर में हम दो तरह के मोड यूज करते हैं। डिफिब्रिलेटर में दो टाइप के मोड होते हैं बच्चों, एक होता है मोनोफेजिक, मोनोफेजिक, एंड सेकंड होता है बच्चा बाईफेजिक। अंडरस्टैंड? मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। बच्चे बाईफेजिक जो और मोनोफेजिक होता है, तो मोनोफेजिक डीफैब में जो करंट यूज किया जाता है वो 360 जूल यूज करते हैं, और बाईफेजिक में मिनिमम करंट का वॉल्यूम रखा जा सकता है 120 और मैक्सिमम रखा जाता है 200 जूल। तो बाईफेजिक के लिए दिस करंट वॉल्यूम कैन बी यूज्ड, एंड फॉर द मोनोफेजिक यू कैन यूज द 360 जूल। अंडरस्टैंड बच्चे? तो मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। मोनोफेजिक यहाँ पर एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि वी आर यूजिंग द मोनोफेजिक, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द करंट इन जूल, 360 जूल इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड गाइस? क्लाइंट, क्वेश्चन नंबर 9। क्लाइंट हु इज रिसीविंग द डिजॉक्सिन डेली हैज अ सीरम पोटेशियम लेवल 3 mEq पर लीटर एंड इट्स कंप्लेनिंग ऑफ द एनोरेक्सिया, द HCP प्रेस्क्राइब डिटर्मिनेशन ऑफ द सीरम डिजॉक्सिन लेवल टू रूल आउट द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, द नर्स चेक द रिजल्ट नोइंग दैट विच वैल्यू इज द थेरेप्यूटिक सीरम लेवल फॉर डिजॉक्सिन। आंसर प्लीज, व्हाट इज द सीरम लेवल ऑफ डिजॉक्सिन? क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट इज द सीरम लेवल ऑफ डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन का सीरम लेवल क्या होता है? व्हाट इज द सीरम लेवल ऑफ डिजॉक्सिन? वेरी गुड बच्चे, नॉर्मली डिजॉक्सिन सीरम लेवल होता है 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml। तो जब किसी को भी हम डिजॉक्सिन देंगे तो डिजॉक्सिन की वजह से सीरम के जस्ट ब्लड के अंदर डिजॉक्सिन का लेवल मेंटेन रहना चाहिए 0.5 से लेकर 2 नैनोग्राम पर ml, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि अगर डिजॉक्सिन का सीरम लेवल इससे ग्रेटर आ जाता है तो देन इन दिस कंडीशन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी विल अकर्स। तो दोस्तों डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी यदि होती है तो टॉक्सिसिटी इफेक्ट द GIT। तो बच्चों यहां से हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से रिलेटेड, और यदि अगर कभी भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हुआ तो डिजॉक्सिन के टॉक्सिक इफेक्ट कौन से सिस्टम पर नजर आते हैं बच्चों? GIT पर नजर आते हैं। क्या क्या होंगे GIT के ऊपर, क्या क्या होंगे? तो GIT के ऊपर होगा टॉक्सिक इफेक्ट्स में क्या क्या होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ध्यान से समझना बच्चों, काफी मोस्ट है। डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के इफेक्ट आते हैं नोजिया GIT पर, और क्या क्या सिम्टम होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लड विजन, अंडरस्टैंड, देन ब्लड विजन, अंडरस्टैंड बच्चों, ब्लड विजन। एंड ध्यान रखिएगा, विजन ब्लड तो होगा, धुंधला तो होगा, लेकिन जो विजन ब्लड होता है उसमें जब पेशेंट से आप पूछोगे कि किस तरह के हेलोज दिखाई दे रहे हैं, तो हेलोस से आप पहचानोगे कि टॉक्सिसिटी है या ओनली साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पर येलो स्पॉट्स दिखाई देंगे, पेशेंट कंप्लेंस टू सी द
येलो स्पॉट्स, येलो स्पॉट्स या फिर गोल्डन हेलोस। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन करता है गोल्डन हेलोस, जस्ट पेशेंट क्वेश्चन क्या करेगा, पेशेंट कंप्लेन फॉर द येलो स्पॉट, येलो स्पॉट या गोल्डन हेलोस, इट इज द जनरल साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट है या फिर टॉक्सिसिटी है। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछता है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है बच्चे, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जस्ट द पेशेंट आफ्टर डिजोक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन, कि डिजोक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जस्ट द पेशेंट कंप्लेन्स फॉर द येलो स्पॉट, ब्लड विजन विद येलो स्पॉट, ब्लड विजन विद येलो स्पॉट। देखो रिवर्स क्वेश्चन क्या बनेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे आजकल। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रेंड में, जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन से बच्चों, वो है रिवर्स क्वेश्चन। कैसे पूछता है क्वेश्चन, ऐसे पूछता है कि जस्ट अब यू आर एडमिनिस्ट्रिंग द डिजोक्सिन एंड यू सस्पेक्ट दैट इट मे डेवलप द टॉक्सिसिटी, और जस्ट व्हेन यू जस्ट आस्क द पेशेंट अबाउट द फीलिंग, द पेशेंट कंप्लेन्स यू दैट कि सर आई एम जस्ट फीलिंग द ब्लड विजन विद येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी और व्हाइट स्पॉट is the identification of only the side effect. तो बच्चे यदि अगर क्लाइंट कह रहा है कि ब्लड विजन विद व्हाइट स्पॉट, ब्लड विजन विद व्हाइट स्पॉट, यदि अगर ब्लड विजन और व्हाइट स्पॉट कह रहा है तो इट इज ओनली द साइड इफेक्ट ऑफ डिजोक्सिन, बट द पेशेंट कंप्लेन फॉर द ब्लड विजन विद येलो स्पॉट या गोल्डन स्पॉट, इट इज द टॉक्सिसिटी ऑफ डिजोक्सिन। अंडरस्टैंड बच्चे, क्लियर हो गया है। नोजिया वॉमिटिंग डायरिया, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया, एक एडवांस क्वेश्चन और जान लीजिएगा बच्चों, जब डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से डायरिया होता है तो डायरिया होने की वजह से क्या होगा, डायरिया होने के कारण क्या होगा, आइए जानते हैं। फिर से जान लीजिएगा एक बात, तो देखिएगा बच्चे डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के केस में क्या होगा, टॉक्सिसिटी के केस में क्या होगा, टॉक्सिसिटी के केस में नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा। तो बच्चों जब डायरिया होता है तो डायरिया की वजह से क्या हो जा क्या होगा, डायरिया में एक्सेसिव लॉस ऑफ के प्लस, बच्चों बॉडी से के प्लस का काफी एक्सेसिव क्वांटिटी में लॉस हो जाता है, तो बॉडी से डायरिया होने के कारण डायरिया में काफी ज्यादा बॉडी से के प्लस लॉस हो जाएगा, और के प्लस लॉस हो जाता है इसलिए जस्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस इन केस ऑफ द डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी व्हाट विल डेवलप, हाइपोकैलेमिया। क्या होगा, सीरम के प्लस विल बी डिक्रीज्ड एंड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द हाइपोकैलेमिया। तो जस्ट यदि अगर बच्चे ये कहा जाए कि जस्ट व्हाई द हाइपोकैलेमिया डेवलप इन केस ऑफ द डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, तो सर इन केस ऑफ द डायरिया देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ द के प्लस फ्रॉम द बॉडी एंड सो द डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोकैलेमिया। अब बच्चे एक और बात यहां से समझाता हूं, ये है अपर जीआईटी एंड दिस इज द लोअर जीआईटी, एंड लोअर जीआईटी में पेनक्रिएटिक जूस होता है, तो लोअर जीआईटी होता है बच्चे एल्केलाइन। अंडरस्टैंड, लोअर जीआईटी किस टाइप का पीएच वाला है, एल्केलाइन है। अब एल्केलाइन फ्लूड यदि अगर डायरिया में काफी ज्यादा लॉस हो जाता है तो एल्केलाइन काफी ज्यादा लॉस होगा, यदि एक्सेसिव किसी को डायरिया होता है तो एल्केलाइन विल बी लॉस्ट इन वेरी मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से क्या लॉस होगा, बॉडी से एल्केलाइन लॉस होंगे, एल्केलाइन फ्लूड का लॉस हो जाने की वजह से बॉडी के अंदर हो जाता है मेटाबोलिक एसिडोसिस। अंडरस्टैंड बच्चों, तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी में एसिड बेस इंबैलेंस कौन सा होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अंडरस्टैंड, देन एसेंशियल के प्लस लॉस ड्यू टू द हाइपोकैलेमिया, ड्यू टू द हाइपोकैलेमिया इफ द नोजिया वॉमिटिंग, इफ एक्सेसिव वॉमिटिंग, यदि ज्यादा वॉमिटिंग होता है, अगर ज्यादा वॉमिटिंग होता है तो वॉमिटिंग में क्या लॉस होगा, एससीएल लॉस होगा, और यदि अगर वॉमिटिंग में एससीएल लॉस हुआ बच्चे तो क्या डेवलप होगा, मेटाबोलिक एल्केलोसिस। तो यदि अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग के कारण डेवलप होता है मेटाबोलिक एल्केलोसिस, और यदि अगर एसिड डायरिया होता है तो डेवलप होता है मेटाबोलिक एसिडोसिस। क्लियर है गाइस, तो इस प्रकार से डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द फ्रूसेमाइड, द नर्स इंस्ट्रक्शन
should include need to eat which food high in mineral. कौन से टाइप के फूड, कौन से मिनरल वाले फूड हाई क्वांटिटी में लेना चाहिए. शाबाश बच्चों, ध्यान रखिएगा फ्रुसेमाइड का एक साइड इफेक्ट. ध्यान रखिए फ्रुसेमाइड कॉजेज द, फ्रुसेमाइड क्या करता है, जस्ट इट इंक्रीज द के प्लस लॉसेस. तो फ्रुसेमाइड क्या करता है बच्चे, फ्रुसेमाइड डायूरेसिस के साथ साथ, फ्रुसेमाइड डायूरेसिस के साथ साथ क्या करता है, डायूरेसिस के साथ साथ बॉडी में से के प्लस के लॉस को बढ़ाएगा, और के प्लस का लॉस होगा तो बॉडी के अंदर हाइपोकैलेमिया हो जाता है. और इस वजह से जस्ट वी एडवाइज द पेशेंट टू ईट द के प्लस रिच फूड. कौन से फूड, जब कभी भी किसी को फ्रुसेमाइड दिया जाए तो जस्ट के प्लस रिच फूड शुड बी एडवाइज्ड. अब बच्चों के प्लस रिच फूड यहां पर एडवाइज करेंगे. अब के प्लस रिच फूड का बेस्ट सोर्स होता है बनाना. क्या होता है बच्चे, तो जस्ट वी एडवाइज दिस पेशेंट टू ईट वन बनाना पर डे. क्या, वन बनाना पर डे. अरे वाह क्या बात है बाबूलाल, बेटा बनाना ही भेज दिया तेने तो, बड़ा अच्छा यार, वेरी गुड. क्या ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए उस पे, ज्वाइन करने के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने के लिए उसी पे लिंक दे रखा है बच्चों, यूट्यूब पे वुगली पे ही लिंक है आपके पास, उस फॉर्म को भर लेना. लेकिन अभी क्या पोर्टल बंद करवा रखा है अभी एक दो दिन के लिए, मेंटेनेंस, अंडर मेंटेनेंस. तो एग्जाम पोर्टल इज अंडर मेंटेनेंस, सो नेवर ट्राई टू अटेंड द टेस्ट नाउ. एक आध दिन बाद में ओपन कर देंगे. ओके, तो यहां पर जस्ट वी नीड टू ईट अ वन बनाना पर डे. एक बनाना खाने से 10 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम मिलता है. कितना मिलता है बच्चा, 10 मिली इक्विवेलेंट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी चेंजेस सपोर्ट द डायग्नोसिस दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग द एमआई. एमआई का पेशेंट है और ईसीजी आपसे पूछा जा रहा है. लीजिएगा आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चेंजेस सपोर्ट द डायग्नोसिस दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग द एमआई. एमआई के पेशेंट का क्या होता है, टी वेव इन्वर्जन, टी वेव इन्वर्जन और एसटी एलिवेशन. दोनों ध्यान रखिएगा बच्चे. शॉर्ट में याद कराने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, कैसे एम आई के ईसीजी को कैसे याद रखोगे आप, एम आई टी एस टी वी, ऐसे याद रखिए एम आई टी एस टी वी. एम आई में ईसीजी चेंजेस को याद रखने के लिए क्या याद रखो, एम आई टी एस टी वी. एम आई टी एस टी वी को किस तरह से याद रखना है देखिएगा ध्यान से. वी मीन्स ईसीजी में, एम आई में देखो, एम आई के अंदर ईसीजी में कहां कहां चेंजेस आते हैं, टी वेव पर और एसटी सेगमेंट पर. तो एमआई में ईसीजी में चेंजेस कहां होंगे, टी वेव और एसटी पर. किस टाइप के चेंजेस होंगे, ऐसे चेंजेस होंगे जिनमें वी आता हो. तो देखिएगा टी वेव में भी इन्वर्जन, इन्वर्जन में वी, और एसटी में भी एलिवेशन, एलिवेशन में भी वी. तो ध्यान रखना बच्चे, ऐसे चेंजेस किसमें, एमआई में, टी वेव और एसटी में चेंज आते हैं. कौन से चेंज आते हैं, ऐसे चेंज आते हैं जिसमें टी वेव के अंदर इन्वर्जन आ गया है और एसटी में एलिवेशन आ गया है. तो जिनमें दोनों वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें वी आता हो. तो शॉर्ट में क्या याद रखोगे, मेरी ट्रिक को याद रखना, एम आई टी एस टी वी, इस ट्रिक को याद रख लेना. एम आई टी एस टी वी मीन्स टी वेव इन्वर्जन, एसटी एलिवेशन. क्लियर. Which of the following blood test is most indicative of cardiac damage? Cardiac damage के लिए most indicative blood test क्या होता है बच्चे? Class तो रोज लगेगी बेटा शंकर, class तो रोज लगेगी, है ना, class तो रोज लगेगी. वो तो exam portal under maintenance है, exam portal.
एग्जाम पोर्टल से वो टेस्ट सीरीज वाला जो आप जिस पे आप टेस्ट दे रहे हो ना सब लोग, वो अंडर मेंटेनेंस है, तो टेस्ट अभी नहीं दे सकते आप 2 दिन, है ना। क्लासेस तो अटेंड करो खूब, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा बच्चे, मोस्ट रिलायबल मोस्ट इंडिकेटिव कार्डियक डैमेज ट्रोपोनिन आई, कौन सा होगा? ट्रोपोनिन आई। तो बच्चों यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये है कार्डियक सेल्स, कार्डियक सेल्स, ये कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा वापिस से। बच्चों कार्डियक सेल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ध्यान रखिएगा सीकेएमबी, सेकंड याद रखिए आप मायोग्लोबिन, और थर्ड होता है बच्चों ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। तो कार्डियक सेल्स हैव द सीकेएमबी, मायोग्लोबिन एंड ट्रोपोनिन। बच्चों जैसे ही कार्डियक सेल्स में एमआई होगा, अटैक होगा, अटैक होते हार्ट अटैक होते ही कार्डियक सेल्स बिकम रप्चर, कार्डियक सेल्स रप्चर हो जाएंगी। रप्चर यदि हो जाती हैं तो यहाँ इनके अंदर जो एंजाइम्स थे दे विल बी रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल, सेल के सेल से रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होकर के कहाँ जाते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में ये एंजाइम्स लीकेज हो जाते हैं। एंजाइम्स लीकेज होने के बाद यहाँ पर है ब्लड कैपिलरीज, तो बच्चों क्या ये एंजाइम्स ब्लड कैपिलरीज में एंटर करेंगे? और यदि अगर ब्लड कैपिलरीज में एंटर करने वाले हैं तो धीरे 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 इन कार्डियक एंजाइम्स का ब्लड लेवल बढ़ने लगेगा, और यदि अगर इन कार्डियक एंजाइम्स का ब्लड लेवल बढ़ने लगा तो हम इसे कंफर्म करके और जस्ट ये कंफर्म कर सकते हैं कि कार्डियक डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। तो कार्डियक डैमेज कैन बी कंफर्म्ड, कार्डियक डैमेज कैन बी कंफर्म्ड बाय असेसिंग द लेवल ऑफ द कार्डियक एंजाइम्स। अंडरस्टैंड बच्चे? तो जस्ट यहां पर बताते हैं सीकेएमबी कार्डियक डैमेज होने के बाद ही, अटैक के बाद ही, एमआई के बाद ही विद इन हार के अंदर बढ़ जाता है। तो सीकेएमबी एलिवेटेड विद इन हार, मायोग्लोबिन एलिवेटेड विद इन 2 hr एंड ट्रोपोनिन एलिवेटेड विद इन 3 hr। तो बच्चे ट्रोपोनिन सीक्वेंशियली याद रखना, कभी कोई डाउट नहीं होगा लाइफ के अंदर। सीकेएमबी एलिवेटेड विद इन हार, मायोग्लोबिन एलिवेटेड विद इन 2 hr, ट्रोपोनिन एलिवेटेड विद इन 3 hr। सो हियर द राइट आंसर इज दैट मोस्ट अर्लीएस्ट, यदि एग्जाम पूछता है कि मोस्ट अर्लीएस्ट एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम, तो देन आंसर क्या जाता है बच्चे? सीकेएमबी। यदि अगर क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द मोस्ट रिलायबल, यदि पूछता है मोस्ट रिलायबल, तो आंसर क्या जाता है बच्चों? ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन इज द मोस्ट रिलायबल, अंडरस्टैंड? सीकेएमबी इज द मोस्ट अर्लीएस्ट एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम, दिस इज अ रेड प्रोटीन, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है बच्चे, मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन द हार्ट कार्डियक सेल्स विच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। तो जस्ट बच्चे कार्डियक सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन को कहते हैं मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एक रेड प्रोटीन होता है, जबकि ट्रोपोनिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है और सीकेएमबी एक एंजाइम होता है। तो अगर आपसे मैं हकीकत बात बोलूं तो इन तीनों में से ये दोनों प्रोटीन से, और केवल ओनली द सीकेएमबी इज अ, सीकेएमबी इज अ एंजाइम, अंडरस्टैंड? जिसको हम कार्डियक एंजाइम कहते हैं ना, उसमें से केवल ये कार्डियक एंजाइम है बाकी दोनों प्रोटीन से। लेकिन आप ध्यान रखना यदि पूछा जाए अर्लीस्ट, क्योंकि कई जगह गलती है, कई गाइड्स में एंजाइम एंजाइम लिखा हुआ है, सब जगह एंजाइम लिखा हुआ है, तो आपको तो ऐसे याद रखना जैसे एग्जाम पूछता है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है बच्चों? तो केवल सुपरफिशियली आप तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि विच इज द मोस्ट अर्लीस्ट एलिवेटेड, देन सीकेएमबी, देन सेकेंड मोस्ट अर्लीस्ट एलिवेटेड मायोग्लोबिन, एंड मोस्ट रिलायबल तो देन ट्रोपोनिन आई, अंडरस्टैंड? ट्रोपोनिन आई इज द मोस्ट रिलायबल। क्लियर है गाइस? तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अच्छा शेयर करो कौन कहां कहां से पढ़ रहा है, शेयर करो, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखिएगा, आज कहां कहां से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, देखें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, कौन कहां कहां से है। अच्छा क्या आप लोग मेरी क्लास पसंद करते हो?
लेक्चर से आपको समझ में आता है क्या? मेरी जो मैं समझाता हूँ वो आप समझ में आता है ना आपको प्रॉपर? अच्छा बच्चों, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ काफी मोस्ट है, और क्या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है सब अच्छे से? अच्छा मुझे लिख के बताइए, मुझे कौन कौन प्यार करते हो आप लोगों में से? आप लोगों में से मुझे कौन कौन बहुत एक्सट्रीमली लाइक करता है, दिल से लाइक करता है मेरी क्लासेस को, मुझे और अपने वुगली स्टूडियो को? लिखिए बताइए कौन कौन दिल से लाइक करता है। और आप में से कौन कौन वुगली का रियल फैन है? अच्छा कितना लव करते हो आप लोग मुझे? लव यू टू ऑल, बहुत प्यार करते हो मुझे दिख गया है, आप सब मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत लाइक करते हो, क्लासेस वुगली को भी बहुत लाइक करते हो, मुझे बहुत लाइक करते हो, आई लव यू टू ऑल। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।